हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ आज हमारे साथ है नेतीज स्किन हेयर और नेल क्लिनिक एमडी और चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर साई प्रशांत नेदी जी चलिए उससे बात करते हैं नमस्कार डॉक्टर no प्रशांत नेति no जी, जी कैसे हैं no आप आई एम बिल्कुल ठीक हूं आपका इस को मैं बढ़िया शुक्रिया yeah. पूछने के लिए सो डॉक्टर अब एक फेमस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं हम एक्ने ओके सो सब लोगों में देखते हैं हम जेंट्स लेडीज स्पेशली लेडीज में थोड़ा ज्यादा रहती है प्रॉब्लम एक्ने पिंपल्स और एक प्रॉब्लम है तो जब पिंपल्स कम होंगे स्कार्स एक्ने स्कार्स नजर आएंगे तो थोड़े लोगों में थोड़ा ज्यादा गहरे होंगे थोड़े लोगों में नॉर्मल रहेंगे तो ये एक्नी स्कार्स एक कम्प्लीटली फेड ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है अगर है तो कई सारे ट्रीटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं ओके सो एक्चुअली एक्नी में भी ग्रेड्स रहेंगे ग्रेड वन ग्रेड टू तो, ग्रेड थ्री ग्रेड फोर जो भी बड़े बड़े एक्नी आते हैं उसको नॉर्डलोसिस्टिक एक्नी बोलते वो नॉर्डलोसिस्टिक एक्नी जिसमें दर्द होता उसको नेगलेट नहीं करना चाहिए जो भी होया उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए okay. कौन सा एक्ट को नेगलेक्ट लेने करना चाहिए क्योंकि जो भी साइड इफेक्ट बोल रहे हैं आप पिगमेंटेशन एक साइड इफेक्ट है ऐसा ब्लैक स्पॉट्स आना दूसरा क्या है कि ये जो दब्बे स्कार्स आना उसके वजह से भी हो सकता है तो जो भी एक्नी है उसको ट्रीटमेंट लेना इम्पोर्टेंट है पहले ही सो so, हम साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकें अगर ट्रीटमेंट नहीं ली है ग्रेड थ्री ग्रेड फोर तो जरूर साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ देके ही जाएगा स्पेशली पिगमेंटेशन हो सकता नहीं तो स्कारिंग भी हो सकता तो उसके लिए हम करेंगे एम एन आर एफ आर एफ बोल के एक मिशन रहता या इट इज वॉट बेसिकली वो मिशन क्या है कि मिशन में टिप्स रहते टिप्स हम डेप्थ स्किन डेप्थ देखे उसमें उसमेटिप्ट रखने से क्या है कि वो नीडल्स जो भी छोटे नीडल्स है उस के अंदर जा के एनर्जी करेंगे। okay. उसके वजह से क्या है कि रिमोडलिंग होगा। तो तो हुआ तो हुआ, जो हुआ भी स्कार नीचे है, है वो नॉर्मल स्किन आ जाएगा नॉर्मल स्किन कोलाजन है उस कार को पुश करेगा ऊपर तरफ तो स्किन प्लेन होने के चांसेस ज्यादा रहते

8 भी रह सकता पर एवरेज एवरेज तो 4, 5 है, okay. uh, तो है इट गो अप आल्सो ये सेशन से जो स्कार है, मतलब हुँ. वो कितना भी हो? कितना भी भी डीप डीप हो हो वी कैन डिफरेंस दिखेगा नहीं बोलना चाहिए पेशेंट पेशेंट के patient के हिसाब से भी डिफरेंस होगा okay. मतलब और, वो ज़्यादातर We'll you